बच्चे का सम्मान होगा, खबर आपका उत्साह बनेगा। उसमें हम चाहेंगे एक बार आप दोबारा बोले, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। आज ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ कोड की ओर से बोधो को स्वतंत्र कानून के लिए सांसद पर बौद्ध समाज का महाविराट इस आंदोलन में हमारे साथ यहाँ उपस्थित मंच पर सम्मानित सभी हमारे भिक्खुगढ़, सभी हमारी भिक्खुड़ीगढ़, हमारे साथ में आए हमारे गुरु माननीय अक्षयनाथ कन्हैया जी, हमारे साथ यहाँ मंच पर सम्मानित माननीय दयाशंकर भट्ट जी, और इस आंदोलन में अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए सभी हमारे उपासक उपासिकाएं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन आप सबको जय भी नमः बधाई करती हूँ। भाइयों बहनों, तथागत गौतम बुद्ध जी एक राजा परिवार में पैदा हुए और अपना राजपाट छोड़कर अपने घर परिवार को त्याग कर दुनिया के कोने कोने में जाकर तथागत गौतम बुद्ध जी एक संदेश देने का काम किया, और जिन लोगों ने जिन देशों ने तथागत गौतम बुद्ध जी के बताए हुए रास्ते पर चल दिए, आज वो देश बहुत आगे हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था अब तो वो नेपाल हो गया, लेकिन जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया, और जिस देश में मानवता का संदेश देकर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, ये हमारा भारत, ये बुद्ध का भारत है। अगर दुनिया में भारत का नाम जाना जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूं, मैं भारत से आया हूं, तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती से आया हूं। और दुनिया के लोग अगर जानते हैं तो भारत को तो तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम से जानते हैं। भाइयों बहनों, मैं जब जाती हूं चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो और चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो एनएचसी हो, जहां जहां भारत का इतिहास है वहां वहां तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित है और वहां वहां हम चक्र स्थापित है। लेकिन बुद्ध के भारत में आज हमारे देश में बुद्ध धर्म का कोई कानून नहीं है। हम देखते हैं कि चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो गया हो, या भारत में जहां जहां स्थान तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम से बनाए गए हैं उन स्थानों को कानून न होने के नाते आज उसका भी सरकार को पैसा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका दुरुपयोग होता है। कहीं भी तथागत गौतम बुद्ध जी के स्थलों पर उनके इतिहास को कायम करने के लिए जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। हम तो देखते हैं कि भारत में तथागत गौतम बुद्ध जी के इतिहास को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
किया और हमारे इस देश के आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास को धीरे धीरे मिटाने की ही साजिश हो रही है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी का जो रंग है, जो चीवर है, जो मैं रंग पहनी हूं, इस रंग को भी लोगों ने चोरी कर लिया। तथागत गौतम बुद्ध जी का जो इतिहास था वो इतिहास को भी चोरी कर लिया। तथागत गौतम बुद्ध जी कमल के फूल से बहुत प्यार करते थे, उसको भी चोरी कर लिया। और हमारे बहुजन समाज के बीच में जाकर और अपना इतिहास बता करके अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हमारा भोला भाला बहुजन समाज नहीं समझ पाया और उनकी बातों में फंस करके और उनका धर्म अपना लिया, जिसके नाते आज बहुजन समाज के लोगों की दुर्दशा है। मैं तो देखती हूं कि कहा गया है, मनुस्मृति में लिखा हुआ, स्त्री सूत्रों भीतर ना भेटा, स्त्री सूत्रों को शिक्षा देना ज्ञान देना नहीं चाहिए। आज हमारे इस देश में 85% बहुजन समाज है और जो भी बहुजन समाज इस देश का आदिवासी मूल निवासी है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को मानने वाले समाज, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को मानने वाले समाज के बीच में अपना इतिहास, हमारे इतिहास को गुमराह करके अपना इतिहास को स्थापित करके और समाज के भोले भाले समाज के लोगों को अपना बना करके और हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने का कोशिश किया गया। आज उसी का नतीजा है कि हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा से वंचित है, अपने इतिहास से वंचित है, अपने अधिकार से वंचित है, अपने सम्मान से वंचित है। अगर ये अधिकार सम्मान अगर किसी ने दिया था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में एक कानून बना करके दिया था। इस कानून के तहत बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर अपना हर किसी अधिकार सम्मान दे कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में व्यवस्था को दिया और संविधान को लागू भी किया गया, लेकिन संविधान का एक ढांचा लागू हुआ, संविधान में दिए गए कानून जो बहुजन समाज के लिए किया गया है वो कानून आज तक लागू नहीं किया गया। अगर वो कानून लागू कर दिया गया होता तो आज हमको यहाँ पर धरना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो कहना चाहती हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को अपना हक किस अधिकार को लेने के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग आंदोलित नहीं होंगे तो ये हमारा अपना इतिहास को वापस नहीं ला सकते, अपना कानून को हम लागू नहीं करा सकते, हम संविधान को लागू नहीं करा सकते। देश की आजादी से लेकर अब तक, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक, आज संविधान में दी गई व्यवस्था को लागू कराने के लिए निरंतर मांग करते रहे, लेकिन आज तक वो मांग पूरा नहीं हो सका। और ये जब ही संभव है कि जब हमारा बहुजन समाज आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक हमको हमारा हक का अधिकार सम्मान नहीं मिल सकता। मैं तो कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को मिटाना है तो उसकी इतिहास को मिटा दो, आप ही अपने आप मिट जाएगा। उसी तरीके से हमारे इतिहास को मिटाने की साजिश लगातार होती रही है और अब कानून के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो भारतीय संविधान में बहुजन समाज के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सांसद हूँ और मैं कह सकती हूँ कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। आज हमारा पूरा देश का बहुजन पूरी तरीके से पीड़ित है। SC ST को लेकर के 20 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हमारे कानून को कम
पर गोलियां बरसाई गई, लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया और दरबारे धमकाने के लिए कि आगरा द्वारा न कर सके, इसके लिए इतने गंभीर कानून में उनको जेल के खिलाफ होकर भेज दिया गया कि कभी हिम्मत न जुटा पाए आंदोलन करने के लिए। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि इतिहास तो हमारा है, हमारे लोगों ने देश के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, भारत को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, उस इतिहास को भी छिपाया गया। हमारा बहुजन समाज अपने को बलिदान हो गया लेकिन अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चला, उसी का नतीजा है कि आज मुझे सांसद बनने का मौका मिला और आप लोगों को आंदोलन करने का मौका मिला। अगर बाबा साहब न आए होते तो आज हमको यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिला होता। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाया था उस पेड़ में फल आ रहा है, आज हम लोग खा रहे हैं, अब उस पेड़ को काटने की तैयारी की जा रही है, उस पेड़ को काटने की तैयारी की जा रही है। अगर वो पेड़ कटा तो किस पेड़ के छाया में रहोगे, कहाँ रहोगे, फिर कौन सा फल खाओगे? इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, तथागत गौतम बुद्ध जी हमारे महापुरुष थे, हमारे बाप थे और बाप की विरासत आज हमको मिल रही है, तो बाप की विरासत छीनना नहीं चाहिए, चाहे चारों की आहुतियां देनी पड़े, इसलिए बहुजन समाज की लोगों को तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहती क्योंकि हमारे संचालक जी खड़े हो चुके हैं, मैं जरा भी समझ रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समय में लेते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश जरूर करना चाहती हूँ कि मैं सांसद हूँ और मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं बचपन से बौद्धिस्ट हूँ, मैंने अपने जनपद बहराइच में बौद्ध विहार बनवाया है और बौद्ध विहार में ही मैं रहती हूँ। 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ और मैंने तय किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। और तथागत गौतम बुद्ध जी का अनुयायी बन करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी बन करके, मंदिर कांशीराम साहब का अनुयायी बन करके पूरे देश में घूम घूम करके तथागत गौतम बुद्ध का भारत बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया गया भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए मुझे अपने पे भरोसा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक भारतीय संविधान और भारत को खुद में भारत बना करके ही मैं छोड़ूंगी, ये मैंने सोचा है और इसके लिए मैं घर से निकली हूँ। इसलिए मैं भी आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो अभी कानून बनाने की बात हुई है, मेरे पास माननीय दया शंकर बहुत ही गए थे और हमारे महाराष्ट्र में चलकर क्या जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन्होंने मेरे पास आए थे, मैंने टाइम उसमें लिया था लेकिन टाइम उन्होंने उस समय दिया और फिर मैं नहीं पाए। मैंने कहा भी था आप लोग आएंगे और जो आपका विषय है मैं कानून मंत्री से मैं मिलूंगी और कानून मंत्री से मिलकर मैं अपनी बात रखूंगी और लोकसभा में भी मैं इस विषय को भारत गौतम बुद्ध जी के लिए कानून बने, गौतम के लिए कानून बने जिसके तहत हमारा बहुजन समाज सुरक्षित हो सके, हमारा पसंद हमारा गौ धर्म का जो सोच है जिस सोच के तहत तथागत गौतम बुद्ध जी ने शिक्षा लिया था और भारत को खुद में साफ बनाने का उनका सपना था उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से मैं लोकसभा में इसकी चर्चा करूंगी। और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और मेरी भी जो भी जरूरत हो कि आपके तथागत गौतम बुद्ध जी की अनुमाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बेटी सावित्रीबाई फुले आपसे कंधे से कंधे मिलकर हर वक्त हम आपकी सेवा के लिए और भारत को खुद में भारत बनाने के लिए मैं हर संभव आपके लिए तैयार हूँ। अगर मुझे चारों को भी गालियां देनी पड़ी हम उसके लिए तैयार है लेकिन भारत को खुद में भारत बनाना जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। इन्हीं सबकों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाए, वक्त कहता है
संविधान नहीं, ये बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। अगर लगाओगे तो उसके लिए हम लोग उसका जवाब देने के लिए हर संभव गौतम बुद्ध की कहनवाई बाबा साहब की कहनवाई हर संभव तैयार है। इन्हीं सत्यों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध जी की कसम, बाबा साहब की कसम, ये ताजा खाजा बदलेगा, रीवा की घाटी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। आप हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर के आप लोग आंदोलन करो, तब आपका जमाना बदलेगा, तब आपका जमाना बदलेगा। इन्हीं सत्यों के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ कि तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, तन बिक रहा है, वो तन बिक रहा है। आप बहुजन समाज के लोग बुरा न मानो, तो खोल कर कह दू, हम बहुजन समाज के लोग संगठित होकर के आंदोलित नहीं होते हैं, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। तो मैं ज्यादा समय में लेते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग संगठित होकर के भाईचारा बना करके आंदोलन की शुरुआत करिए। उस आंदोलन में मैं आपके साथ में हूँ और अपनी भिक्षु बनो, मैं अपनी भिक्षु बनो से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग कभी एक संसद होनी चाहिए, बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। हमको भारत को पुत्र में भारत बनाने के लिए बहुजन समाज के बीच में चल करके समाज को इकट्ठा करके, और तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था बहुजन हित आए और बहुजन सुख आए, तो जो आंदोलन का नारा दिया था उस आंदोलन के नारा को, उस नारा को हमको लेकर चल देना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बारी को ध्यान देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम।